नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ दीपाली। राजधानी से राजधानी तक के इस खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कहां जमीन फटने से हड़कंप मचा हुआ है। ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों नपे सहारनपुर के अफसर, कैसे आप भी ऐप के जरिए पेड़ लगाने की मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। बताएंगे कहां हत्थे चढ़े विदेशी शाते ठग। और सबसे पहले खबर सहारनपुर से। योगी सरकार ने सहारनपुर हिंसा मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। सहारनपुर के प्रशासनिक अमले पर गाज गिरी है। एसएसपी एससी दुबे, डीएम एनपी सिंह, एसडीएम और सीओ को उनके पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में हुई घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। मामले में यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बबलू कुमार एसएसपी सहारनपुर होंगे नए। दरअसल मंगलवार को मायावती की रैली से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था और इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 7 लोग घायल हुए थे। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दरअसल महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई थी और देखते ही देखते ये झड़प हिंसा में बदल गई और आगजनी और फायरिंग शुरू हो गई थी। हालात ऐसे बने थे कि यूपी सरकार को अफसरों की एक टीम को सहारनपुर भेजना पड़ा। इस टीम में गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और डीआईजी सिक्योरिटी विजय भूषण हैं। उसके द्वारा बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी क्रम में वहां पर सीनियर अफसर्स कैंप करे हुए हैं। वर्तमान में वहाँ पे स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और सभी वर्गों के लोगों से बातचीत करके प्रशासन द्वारा ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि किसी प्रकार पे कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार से अराजक तत्वों को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।